Hi friends, this is Sahil Roy and I welcome you all to my YouTube channel EU Commerce Scholar. Today's topic is Purchasing Power Parity Theory. Money Banking ka ye topic hai, Purchasing Power Parity Theory. Chaliye shuruaat karte hain Purchasing Power Parity Theory ki. The Purchasing Power Parity Theory has been popularized during the interwar, that is the World War I, year 1911, period by Gustav Cassel, the Swedish economist. Jo Gustav Cassel the, स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, उन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चार साल चला था, 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था. जब 1918 में ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो गुस्टाव कैसल ने, जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और दी थी और उस टाइम ये थ्योरी बहुत पॉपुलराइज हुई थी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी को समझते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज आर डिटरमाइंड बाय रिलेटिव प्राइस लेवल. दो देश के बीच में जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो प्राइस लेवल के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है. जैसे कि मान लीजिए एक देश है इंडिया, दूसरा देश है अमेरिका. अमेरिका का एक डॉलर इंडिया के 65 रुपीस के बराबर है. कैसे बराबर है? ये इस बेस पे बराबर है कि हम परचेजिंग पावर देख रहे हैं अमेरिका के डॉलर की और इंडिया के रुपए की. इंडिया में अगर कोई सामान, कुछ भी अगर आप खरीदने जाते हैं, कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं और उसके लिए अगर आप 65 रुपीस देते हैं और उसी गुड को अगर आप अमेरिका में खरीदते हैं और सिर्फ एक डॉलर देते हैं, तो ये अमेरिका के एक डॉलर की परचेजिंग पावर है और इंडिया के ये रुपीस की ये परचेजिंग पावर है. तो ये है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. ये हम डिटरमाइन करते हैं और उस बेसिस पर डिसाइड करते हैं. ये था शॉर्ट में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या होता है. द एक्चुअल रेट ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी सच दैट द सेम अमाउंट ऑफ परचेजिंग पावर व्हेन एक्सचेंज्ड एट दैट रेट मस्ट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड and service in both the countries. वही बात इन्होंने अंग्रेजी में बोली है कि आपने क्या किया, the actual rate of exchange must be such that, जो actual rate of exchange है वो इस basis पे होना चाहिए, the same amount of purchasing power, same amount of purchasing power होनी चाहिए, when exchanged at that rate must buy same amount of good. इस basis पे exchange rate हम तय करेंगे कि हम same सामान खरीदेंगे अलग अलग देश में और अपनी purchasing power को check करेंगे. Example के तौर पे यहाँ पे भी बताया गया, for example, if by spending 65 rupees, अगर 65 rupees हम इंडिया में खर्च कर रहे हैं, we can buy an amount of goods in India as we can buy with $1 in America. The rate of exchange between India and America will be rupees 65 to $1. अब definition की बात करें, the rate of exchange determined in relation to price level is known as purchasing power parity. Purchasing power parity किसे कहते हैं? जब हम exchange rate को determine करने के लिए price level check करते हैं. हमने यहाँ 65 rupees और एक dollar compare किया, determine किया, check किया और ये बताया कि एक dollar 65 rupees के बराबर है. तो ये price level की बात हो रही है. किसी भी एक सामान को खरीदने के लिए अमेरिका का आपने एक dollar pay किया और इंडिया का 65 pay किया, तो ये प्राइस लेवल की बात हो रही है और इस प्राइस लेवल के रिलेशन से हमें परचेजिंग पावर पैरिटी समझ में आती है, दिखाई देती है. हाउ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज डिटरमाइंड, कैसे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी डिटरमाइन की जाती है. इट शुड बी नोटेड दैट द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग. कैसे डिटरमाइन की जाती है? बाय कंपेयरिंग जनरल प्राइस लेवल्स. जनरल प्राइस लेवल जो गुड्स या सर्विसेज का होता है उसे हम कंपेयर करते हैं एंड नॉट द लेवल and not the price levels of international traded goods. जो internationally traded goods है उसका हम price level बिल्कुल तय नहीं करते, उस basis पर हम बिल्कुल कुछ भी determine नहीं करते. हमारा basic जो concept determine करने का है purchasing power parity theory का, वो है comparing general price levels. Prices of exports and imports must remain at the same level in every country, tariffs etc. जो price है export का, import का, वो same रहेगा हर देश में और हर देश के tariff में. Moreover, they are often the result of changes in exchange rate. Hence, it is easy to verify the theory by comparing the wholesale standard. ये theory को समझने के लिए सबसे अच्छा standard है wholesale standard. Wholesale standard इसलिए क्योंकि wholesale standard लगभग prices same रहती हैं. Retailers अपने basis पे, अपने profits के basis पे prices change कर देते हैं. तो हम wholesale का standard लेकर के चलते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए, उसकी price को decide करने के लिए. Gustav Cassel has presented the triple P theory in two versions. Gustav Cassel's ने दो version दिए थे. पहला था absolute version of PPP theory और दूसरा था relative version of PPP theory. शुरुआत करते हैं absolute version of PPP theory. Absolute, according to the absolute version of purchasing power parity theory, the exchange rate between the two currencies should reflect the
relation between the international purchasing power of various currencies. पूरी दुनिया में approximately 36 currencies में trading की जाती है, purchase and sale या import या export किया जाता है. इन्होंने कहा है, जो exchange rate होगा दो देश की currencies के बीच में, should reflect the relation between the international purchasing power of the various currencies. अलग-अलग देश की जो currencies हैं, उनका जो भी purchasing power है, उसको reflect कराने की जरूरत है. मतलब इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं, एक्सचेंज रेट वुड बी डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ द रिस्पेक्टिव करेंसीज गेट इक्वलाइज्ड. एग्जांपल के तौर पे, बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट 1000, मतलब एक बास्केट जो सामान है 1000 रुपए का है, इंडियन करेंसी का है इंडिया के अंदर, और वही अगर आप अमेरिका में खरीद रहे हैं तो $100 आपको देना पड़ेगा. दैट मीन्स द एक्सचेंज रेट वुड बी ₹10 इज इक्वल टू $1. मतलब समझ आप रहे होंगे कि जो एक्सचेंज रेट है वो ₹10 इज इक्वल टू $1 के बराबर है. यही चीज यहां पे सिंपल वर्ड में लिखी है. सिंपल वर्ड, द एक्सचेंज रेट वुड बी डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ द रिस्पेक्टिव करेंसीज गेट इक्वलाइज्ड. ये अमेरिका का इंटरनल परचेजिंग पावर था, ये इंडिया का इंटरनल परचेजिंग पावर था, और ये जिस जगह पे इक्वलाइज हुआ, ये एब्सोल्यूट वर्जन है पीपीपी थ्योरी का. Thus, to conclude, the absolute version of this theory states that purchasing power of respective currencies does play a vital role in determining the equilibrium exchange rate. तो conclusion में कहा गया है कि जो absolute version है PPP theory का, वो ये बताता है कि जो purchasing power होता है हर देश की खुद की currency का domestic price level पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. वो एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मतलब बराबरी करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीपी थ्योरी जो गॉस्टव कैसल ने दिया था, वो ये था कि हर देश में इन्फ्लेशन आता है. जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन कैसे आता है कि मान लीजिए इंडिया की जो मार्केट है उसमें हमने, या इकॉनमी है उसमें अगर हम पैसे की सप्लाई बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा. इन्फ्लेशन का मतलब पैसे की वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाएगी. जब पैसे की वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. ये है रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीपी थियरी. द रिलेटिव वर्जन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय गॉस्टव कैसल इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द चेंजेस इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. एनी डेविएशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम विल लेड टू द डिसइक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम पता लगाने के लिए, और कोई भी चेंज उस इक्विलिब्रियम है, जैसे कि देखा हमने ₹65 इज इक्वल टू $1, और इसमें अगर कोई भी चेंज आ गया तो ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा. इट कैन टेक प्लेस ड्यू टू द चेंजेस इन इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ पर्टिकुलर करेंसी. जो देश के अंदर परचेजिंग पावर है किसी भी करेंसी का, उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, और ये बदलाव भी उसी बेसिस पे आता है. द चेंजेस इन द परचेजिंग पावर आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक प्राइस इंडाइसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशन. ये डोमेस्टिक प्राइस इंडाइसेस या डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्सिंग के बेसिस पे हम किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन का हम परचेजिंग पावर पता लगा सकते हैं उस देश के अंदर. We need to assume any past rate of exchange as base exchange rate in order to know the percentage change in the exchange rate. हम किसी भी past year के exchange rate ले सकते हैं. हम किसी भी past year, इसको ऐसे समझते हैं कि we need to assume any past rate of exchange as base exchange rate. जैसे अभी का year 2018 चल रहा है, last year 2017 था, और हमने 2017 को बेस ईयर कंसिडर कर लिया, और उसका जो बेस रेट है प्राइस इंडेक्सिंग का वो 100 ले लिया, और हमने प्राइस इंडेक्सिंग से ये पता लगाया कि 2018 में इसकी वैल्यू मान लीजिए 105 हो गई है. तो ये जो 5 पॉइंट चेंजेस आए, यही इसी चेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है. वी नीड टू अज्यूम एनी पास्ट रेट ऑफ एक्सचेंज एज बेस एक्सचेंज रेट इन ऑर्डर टू नो द परसेंटेज चेंज इन द एक्सचेंज रेट. तो यहाँ पे कितना परसेंट चेंज हुआ है, 5% चेंज हुआ है एक्सचेंज रेट में. इफ वी कंपेयर द प्राइस इंडाइसेस इन द पास्ट दैट इज द बेस पीरियड विद दैट ऑफ द प्रेजेंट पीरियड द न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वुड बी फाउंड. और अगर हम प्राइस इंडाइसेस को लास्ट ईयर से इस साल के ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमें नया प्राइस इंडाइसेस पता चलेगा. क्रिटिसिज्म की बात करें, 7 टाइप्स के क्रिटिसिज्म थे परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी के. पहला बोला गया था ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड कॉमोडिटीज. दूसरा है एरर्स इन कैलकुलेटिंग प्राइस लेवल्स. थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट. फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन प्राइस लेवल. फिफ्थ वन इज इनकंसिस्टेंट विथ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड. सिक्स्थ वन इज क्रिटिसिज्म बाय नर्क्सी
सेवेंथ वन इज बेसिस ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट. चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं. ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड कॉमोडिटीज फर्स्ट पॉइंट है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है. पर कैपिटा और नेशनल इनकम के बेसिस पे हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पहचानते हैं, पता लगाते हैं. हर देश में चीज़ों का, गुड्स या सर्विसेज का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है, नेसेसिटी अलग अलग होती है, अवेलेबिलिटी एंड द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटीज भी अलग अलग होती है. तो यहाँ बोला गया है देयरफॉर अज्यूमिंग देम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ कॉमोडिटीज आर इनकरेक्ट. इसीलिए बोला गया है कि हम इंडिया में जिस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझते हैं, ज़रूरी नहीं कि अमेरिका में उस चीज़ को ही इंपॉर्टेंस दी जाए. तो यहाँ पे अगर हम एक देश के इंपॉर्टेंट चीज़ को दूसरे देश के अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्राइसिंग इंडेक्सिंग फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सचेंज रेट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है. ये पहला क्रिटिसिज्म था. दूसरा है एरर्स इन कैलकुलेटिंग प्राइस लेवल्स. प्राइस लेवल पता लगाने में अगर कोई एरर हो गया किसी तरीके का, फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस लेवल्स इंडेक्स नंबर मेथड इज यूज्ड बट मेनी डिफिकल्टीज आर फेस्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर मेथड इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए प्राइस लेवल, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. जैसे सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर 2018 साल चल रहा है करंट ईयर, कुछ लोग 2017 बेस ले लेते हैं, कुछ लोग 2015 बेस ले लेंगे, कुछ लोग 2012 बेस ले लेंगे. तो यहाँ पे बेस ईयर का जो सिलेक्शन होता है उसमें भी दिक्कत आती है. दूसरा कलेक्शन ऑफ प्राइस डेटा ऑफ कॉमोडिटीज, जो अलग अलग देश में अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों के जो भी प्राइसेस चल रहे हैं उसका डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत आती है. एंड डिफरेंसेज इन द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइस इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रेट हैं, उसको भी कैलकुलेट करने में या कलेक्ट करने में दिक्कत आती है. इट मे कॉज वेरियस एरर्स इन कैलकुलेटिंग प्राइस लेवल्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज, सॉरी डिफरेंट कंट्रीज. इट मे कॉज वेरियस एरर्स, बहुत तरीके की गड़बड़ियाँ गलतियाँ हो सकती हैं इन कैलकुलेटिंग प्राइस लेवल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो ये एरर वाला पॉइंट था. थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट. जो डिमांड और सप्लाई है एक्सचेंज रेट का, जैसे अमेरिका के डॉलर की बात करें या ब्रिटेन के पाउंड्स की बात करें, तो लोग वहाँ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाउंड्स खरीद करके रख लेते हैं, स्पेकुलेशन में पैसे अर्न करने की कोशिश करते हैं. तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इनके भी प्राइसेस बढ़ते घटते रहते हैं. एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसीज आर चेंज्ड ऑटोमेटिकली बाय देयर डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट, वाइल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट्स द एस्टिमेट प्राइस लेवल ऑन अ सर्टेन डेट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी proposes the change in exchange rate only thereafter. यहाँ पे बोला गया है कि जैसे मान लीजिए टुडे इज 3rd March 2018 और आज के डेट में अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया गया है, तो ये जो इंडेक्स नंबर आज के डेट का कैलकुलेट किया गया है, इसे हम अगर कल की डेट में, जैसे कल है 4th March 2018, कल की डेट में अगर इसे एप्लीकेबल करने की कोशिश करें और कल की डेट में अगर फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. दस रिवाइज एक्सचेंज रेट अनाउंस लेटर ऑन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द रियल एक्सचेंज रेट. तो अगले दिन, मान लीजिए 4th को जो भी रिवाइज होकर के एक्सचेंज रेट आता है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऑल दो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट. तो ये जो जो आज का जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट होगा, जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसे ऑफिशियल एक्सचेंज रेट कंसिडर कर दिया जाएगा. फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज रेट्स ऑन प्राइस लेवल. अगर प्राइस जो एक्सचेंज रेट है उसका प्राइस लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. एक्चुअली प्राइस लेवल इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन एक्सचेंज रेट. प्राइस लेवल कैसे चेंज होता है, जब एक्सचेंज रेट चेंज होता है. लेकिन एक्सचेंज रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्राइस लेवल. प्राइस लेवल बढ़े घटे उससे एक्सचेंज रेट से कुछ लेना देना नहीं है. इंडिया में किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे उससे फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा घटेगा तो इंडिया में चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे. फिफ्थ पॉइंट इज इनकंसिस्टेंट विथ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड. रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड वो ट्रेड होता है जो अनलॉफुल होता है, इलीगल होता है. और यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है. परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ फ्री मार्केट. परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी फ्री मार्केट के बेसिस की जो अजम्पशन है उसी के बेसिस पे इसे माना जाता है. देयरफॉर इट डज नॉट वर्क इन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड कंडीशंस एंड इट इज कंसिस्टेंट विथ इट. ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड कंडीशन में ये काम नहीं करेगा और इसी बेसिस पे इसे फॉलो किया जाता है. ये कहाँ काम करेगा, जहाँ पे फ्री मार्केट है, जहाँ पे किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये वहाँ पे काम करेगा. इसीलिए जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस है वहाँ पे इनकंसिस्टेंट है. पॉइंट नंबर सिक्स,
क्रिटिसाइज बाय नर्क्सी ने क्रिटिसाइज किया. उन्होंने बोला परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी डिटरमाइन एक्सचेंज रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ ग्रुप ऑफ सर्टेन कॉमोडिटीज ऑन सर्टेन डेट. एक सर्टेन डेट में जो सर्टेन कॉमोडिटी का जो ग्रुप है उसके बेसिस पे यहाँ पे प्राइसेस तय की जाती है. दिस थ्योरी डज नॉट टेक ट्रेड साइकिल नहीं लेकर के चलता, टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर नहीं लेकर के चलता, ये इन्हें कंसिडर नहीं करता. तो ये सबसे बड़ा इस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक्सचेंज रेट का ड्रॉबैक है. लास्ट पॉइंट कह रहे हैं क्रिटिसिज्म का, बेसिस ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट के जो बेसिस हैं जिस वजह से एक्सचेंज रेट चेंज होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी अज्यूम्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड एज द बेसिस ऑफ एक्सचेंज, बेसिस ऑफ चेंज इन द एक्सचेंज रेट्स नॉट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे तय किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिस पे. हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट में लेकर के नहीं चलते, हम बैलेंस ऑफ ट्रेड लेकर के चलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कुछ अच्छे कमेंट्स कीजिए. और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए, हम जितनी जल्दी हो सकेगा उस वीडियो को अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.